गाइस वेलकम टू योर 45th जावा ट्यूटोरियल इन हिंदी बाय टेक्नोसेश। और इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रायोरिटी क्यू क्लास जो इंप्लीमेंट करता है क्यू इंटरफेस को। हम सब जिंदगी में क्यू में कम से कम एक बार तो खड़ा ही हुआ होगा, और अगर पागलों की तरह लोग लाइन काटते नहीं है और बंदरों की तरह बीच में नहीं घुस जाते तो हम हमेशा ये देखते हैं कि जो आदमी क्यू में सबसे पहले गया था उसी आदमी को सबसे पहले सर्विस मिलता है। कुछ इसी प्रकार प्रायोरिटी क्यू में शामिल एलिमेंट्स भी एक्सेस होता है। इसको डिटेल में देखने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया जावा की यूटिलिटी क्लास को, और उसके बाद मैंने एक क्लास बनाया पीआर लिस्ट नाम का, और मेरा फाइल का नाम भी पीआर लिस्ट है। इसके अंदर मैं डालूंगा एक मेन मेथड, उसके अंदर मैं बनाऊंगा एक प्रायोरिटी क्लास प्रायोरिटी क्यू। शायद प्रायोरिटी का और क्यू का स्पेलिंग सही लिखा है मैंने। स्ट्रिंग जिसका नाम मैंने रखा है लाइन, न्यू, कॉपी करता हूं क्योंकि थोड़ा सा आसान हो जाता है जिंदगी। और अब मैं करता हूँ लाइन डॉट एड से मैंने एक एलिमेंट ए डाल दिया, और लाइन डॉट एड एलिमेंट बी। इसके बाद मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो प्रिंटलाइन लाइन, और इसको भी मैं कॉपी करता हूं क्योंकि मेरे को ये बाद में काम आएगा। अब देखिए क्या होने वाला है, यहां पे मैं सबसे पहला वाला एलिमेंट जो इस क्यू में है प्रायोरिटी क्यू में, उसको मैं प्रिंट कराऊंगा। और उसको प्रिंट कराने के लिए मैं यूज करूंगा पीक मेथड। पीक को मैं हिंदी में कैसे समझाऊं? कुछ बोलने लायक एग्जांपल मुंह में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको बाद में बताऊंगा, समझाऊंगा आपको कभी। ठीक है, पीक मतलब कैसे है पीक करना, कि मैं किसी कैसे बताऊं, नहीं रहने दो। पीक मतलब देखना, एक तरीके से देखने की बात होती है, और उसको मुझे समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स आ रही है, पर मैं वो बोल नहीं सकता इसलिए मैं बंद करके बैठा हूँ, अब मुंह बंद करके बैठा हूँ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब भी मैंने एक एलिमेंट को पीक किया तो मुझे पोल्ड भी करना पड़ेगा। पोल्ड मतलब ये है कि मैं उस एलिमेंट को मेमोरी से फ्री करा रहा हूं। बेसिकली देखिए क्या हो रहा है, अगर हम किसी लाइन में खड़े होते हैं और हमें पता है कि मेरे, मान लीजिए मैं एक आदमी के पीछे खड़ा हूं और उसको टिकट मिल गया है, तो वो टिकट मिलने के बाद वो निकल जाएगा, फिर मेरा बारी आएगा। इसी प्रकार मैं यहां भी कर रहा हूं, जैसे ही उसका मतलब उसको उस एलिमेंट को दिखाया मैंने, उसके बाद मैंने उसको हटा दिया, और हटाने के लिए मैं यूज करूंगा पोल। ठीक है, अब मैंने फिर से प्रिंट लाइन किया, नहीं एक्चुअली मैंने क्या किया यहां पे, अरे यार मुझे ये करना था, और इसके लिए मैंने बताया लाइन कितना गधा होना मैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, मैंने ये प्रिंट एफ करने के बाद मैंने एक और लाइन बेसिकली प्रिंट का मान दे दिया, और उसके बाद मैं फिर दोबारा प्रिंट कराऊंगा पूरा प्रिंट प्रायोरिटी क्यू को। ठीक है, तो मैं इसको अभी सेव करता हूँ, और मेरा कमांड प्रॉम्प्ट लेके कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। prlist.java कोई एरर नहीं है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, और लिस्ट
अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हमने डाला दो एलिमेंट्स को प्रायोरिटी क्यू के अंदर, जिसका नाम था लाइन और उसका नाम था ए और बी। उसके बाद मैंने प्रिंट करा दिया, उसकी वजह से हमने ये देखा यहाँ पे। उसके बाद हमने एक एक एलिमेंट को हमने पिक किया, मतलब देखा हमने उसको। उसके बाद हमने, और क्योंकि उसको हमने निकाला, इसलिए जब मैं दोबारा वो प्रिंट लाइन को प्रिंट किया, यानी कि प्रायोरिटी क्यू वाला लाइन को प्रिंट किया, तो उसमें खाली एक एलिमेंट दिखाई दिया, क्योंकि मैंने ए को निकाल दिया था। ठीक है, तो गाइस मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसको कैसे यूज करेंगे, देखिए मैंने बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप इस टूल को आप कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा स्टैक्स, और वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप नीचे पूछ सकते हैं, कमेंट्स हमेशा खुला है आपके लिए कमेंट्स डालने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी पूरी सीरीज देखती रहनी है तो ऊपर सब्सक्राइब की बटन है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ स्टैक्स। बाय।